सीएए पर सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद विरोध शुरू। वारिस पठान ने क्या उठाए सवाल? सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए पूरे देश में लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसके लिए सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब सीएए के तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 3 देशों से आए हिंदुओं, सिखों वगैरह को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। हालांकि सीएए लागू होने के बाद पूरे देश की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। मोदी सरकार के खिलाफ तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां विरोध के सुर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वारिस पठान ने सीएए को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है, साथ ही इसको लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सूचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते। और आप सीए को एनपीआर एनएससी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट ईयर करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। AIMIM के प्रवक्ता ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए भी उठाए हैं क्योंकि जैसा कि खुद वारिस पठान ने कहा, पिछले 5 सालों से यानी 2019 में इसमें संशोधन होने के तुरंत बाद इसे लागू क्यों नहीं किया गया। आरोप ये भी है कि मोदी सरकार विकास के मोर्चे पर पूरी तरह से असफल हो चुकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएए लागू किया गया है। केवल वारिस पठान ही नहीं, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भी सीएए लागू किए जाने पर ऐसे ही सवाल उठा रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के इस विरोध में कितना दम है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार इसे लागू करने का वादा पहले ही कर चुकी थी। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। जिसको अब लागू कर बीजेपी वाली केंद्र सरकार ने यह नारा भी दिया है कि जो उसने कहा उसे कर दिखाया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएए के विरोध की ये हवा कितनी गर्म होती है और उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।